इक्तदार है पीटीआई का, उसी वक्त मैंने अपने ज़िले के अंदर बैठ के पूरे प्रेस को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मेरा इस शादी से और इस बहू से कोई तल्लक नहीं है, ना मैं इसको कबूल किया है, ना ये हमारी फैमिली में एक्सेप्टेड है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट, मैं हूं फरूख हुडायत, मेरे साथ चौधरी इकबाल गुजर साहब मौजूद हैं। फराह गुजर जो हैं उनके ये सुसर हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली है। फराह गोगी या फराह गुजर, उनके बारे में इनका क्या कहना है, उनसे इनका क्या ताल्लुक है, क्या ये उनके जब हुकूमत में थी वो उन्होंने कोई मफाद उठाया, इन्हीं से जानते हैं। गुजर साहब, एक तो आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप आने वाले दिनों में वजीर बन जाएंगे, क्या ये बात दुरुस्त है? ये तो प्रेरोगेटिव है चीफ मिनिस्टर साहब का, जिसको मर्जी बनाए जिसको मर्जी ना बनाए, उनका हक है, मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन ये है कि अपना जो है ना, अपना हमारी जमात को इक्तदार मिला है, हमारा वज़ीर आला आ गया है सूबा पंजाब में, हमारे वज़ीर आज़म आ गए हैं पाकिस्तान में, कायदे मोहतरम कायदे पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब, पहले कायदे मोहतरम कायदे पाकिस्तान मियाँ नवाज शरीफ साहब थे। तो जब पार्टी को इक्तदार मिलता है तो हम सारे वजीर ही हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। अच्छा, ये आपके ऊपर बड़ी तनकीद की जाती है इस तरफ भी और उस तरफ भी, वो कहते हैं कि आपके चूँकि बेटे और फिर उनकी मिसिज, उनके ऊपर इस वक्त मुस्लिम लीग नून का जो सारा बयानी है वो उन्हीं के खिलाफ खड़ा हुआ है, यानी कि फराह गुजर। हाँ जी, उससे मैंने बड़ा ही पहले जब वो उसने शादी की है तो उसके बाद इनका इक्तदार आया है अपना पीटीआई का, उसी वक्त मैंने अपने ज़िले के अंदर बैठ के पूरे प्रेस को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मेरा इस शादी से और इस बहू से कोई तल्लक नहीं है, ना मैं इसको कबूल किया है, ना ये हमारी फैमिली में एक्सेप्टेड है, ना मेरा पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, जब से उसकी शादी हमने किसी फैमिली फंक्शन में उसको नहीं बुलाया, कभी भी उसके साथ कोई तल्लक नहीं रहा। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी इसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने कोई बेनिफिट किसी किस्म का हासिल किया? हाल ही पैदा नहीं होगा, मैं उस वक्त सियासत करता जब ये बेटा पैदा भी नहीं हुआ था, मैं उस वक्त का सियासतदान हूँ, तो मुझे मेरे लिए कोई हुकूमत आना जाना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेटा तो फिर भी बेटा ही होता है ना, बेटा मेरा है, अगर बेटे को कोई मसला हो तो मैं उसके लिए, मेरा बेटा तो है, मैं उसका इनकार तो नहीं कर सकता, लेकिन उस बहू को मेरे ना कभी कबूल किया ना मेरा उसको कोई तल्लक है, ये पहले मैं कह चुका हूँ। आपके बेटे के खिलाफ ही, आपकी हुकूमत में ही नैब उनके खिलाफ केसेस बना रही है? कर लेगा, फेस कर लेगा, कर लेगा। इमरान खान साहब के लिए कोई पैगाम देना चाहिए? इमरान खान के लिए मैंने क्या पैगाम देना था, उसको हदायत दे और मैं क्या कह सकता हूँ। और ये भी ऐसा भी हुआ कि जब कोई इंक्रोचमेंट ऑपरेशन चल रहा था, चीज़ें चल रही थी कहीं पे, चौधरी इकबाल गुजर साहब को सिर्फ इसलिए थोड़ा सा साइड पे किया गया, आपको फ़ायदा मिला? कभी ऐसा नहीं हुआ, बहू प्यार तो करती ना अपने ससुर से। यार मैंने कहा बहू, उसको मैंने कबूल ही नहीं किया, अब तक कैसे प्यार, गुस्से में वो आपसे गुस्से में, नाराजगी में हूँ मैं उससे, मैंने कभी कबूल ही नहीं किया, पसंद की नहीं थी, पसंद भी नहीं किया, कबूल भी नहीं किया, मेरी पहली बहू है, उसके बच्चे हैं, मैं उसके साथ खड़ा हूँ, फैमिली इस तरह तो नहीं चलती। पर ये करप्शन नहीं की उन्होंने, मैं इसके बारे में कुछ कहने नहीं चाहता।